अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज संडे का दिन था, सोचा मैं आउटिंग पर चलते हैं क्योंकि पहले दिन भी दावतें वगैरह चल रही थी तो बच्चों को कहीं झूले वगैरह में लेके नहीं जाएंगे। और अलहमदिल्ला जन्नत का रिजल्ट इतना अच्छा आया है तो हमने सोचा कि ना जन्नत को थोड़ा आउटिंग करवा दें, उसकी मनपसंद जगहों पर ले दें, उसकी मनपसंद झूले झुलवा दें। तो बस ये सोचते हुए हमने कहा चलो थोड़ी आउटिंग कर लें, साथ हम एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। तो ज़िमल हो गई है तैयार और ज़िमल को तैयार करने के बाद उसको मैंने सुला दिया है क्योंकि ये मुझे तंग बहुत करती है, तैयार नहीं होने देती है। तो ये सो गई है तैयार होके, अब बस ये उठेगी, से क्लिप वगैरह लगाने हैं। और अब मैंने अपने फेस पर पाउडर लगा लिया है और अब मैं लगा रही हूँ शेड। ड्रेस मेरा ब्लू कलर का है तो सोचा आईलाइनर ब्लू कलर का लगा लेंगे। ईद पे जो मैंने ड्रेस पहना था वही ड्रेस पहन रही हूँ। और लाइट सा कलर मैंने डिसाइड किया ये वाला और लाइट पिंक ला के ना, क्योंकि नॉर्मल संडे का डे है, ऐसे आउटिंग के लिए जा रहे तो मैंने कहा ज़्यादा डार्क मेकअप अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने लाइट सा शेड लिया है ये वाला, ठीक है। और अब मैं इसका अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होके फिर आगे का व्लॉग हम आपसे शेयर करेंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, बच्चों ने कितना एंजॉय किया, ये हम सबसे आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ अपना व्लॉग स्टॉप करती हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, तो जन्नत हो गई है तैयार और जन्नत तैयार होने के बाद कुछ ऐसी नज़र आ रही है, प्यारी सी, प्रिटी सी। अच्छा भाई इतना एटीट्यूड, ओह माय गॉड। अच्छा भले ये तो बता दो कि आपको तैयार किसने किया है? भाई ज़िमल भी आ गई, देख रहे जो लोगों ने ड्रेस पहना है ना, ये मैंने खुद ने स्टिच किया है इनका, दोनों बहनों का पैंट मैंने इनकी देन आपने इसके शूज पहनाने के बाद आपने इसकी पैंट भी सही नहीं की है, हैं देख रही है पप्पा के काम है, मम्मा सारे काम कर लेंगी, पप्पा एक शूज पहनाएंगे वो भी सारा उल्टा। अच्छा जी बच्चे दोनों तैयार हैं और जिन्होंने शर्ट्स पहनी हैं इनका स्टिच मैंने की है, उनका स्टिच कुछ मैंने की है और आप बताना कि कैसी लग रही है दोनों की शर्ट। अच्छा जी अब जन्नत कुछ कहना चाह रही है। अच्छा गाइज तब सुन ले भाई, गाइज क्या कहना चाह रही है? Oh my God. और अच्छा अभी आप कहाँ? हाँ भाई इसने ट्रॉफी भी ली है और उसका माशा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अच्छा ज़िमल अब जा रही है, उसके पापा को खड़े हुए दिख गए। अच्छा भाई ए ग्रेड डबल प्लस, ठीक है इसका मतलब फर्स्ट आई है जन्नत। अच्छा जी जन्नत कुछ कहना नहीं चाहोगे अपने व्यूअर्स को? आप कहाँ घूमने जा रही हो? शर्ट को नहीं छेड़ो सब। अच्छा भैया पार्क जा रही है, उसके बाद ये रात में डिनर भी बाहर करेगी आज, तो क्योंकि आज जन्नत का रिजल्ट अच्छा है तो हम चाहे उसको थोड़ा सेलिब्रेट कर लें। तो जन्नत जो जा रही है आज बाहर जा रही है घूमने। और अच्छा भैया हम देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए व्लॉग यहाँ स्टॉप करते हैं। ठीक है थैंक यू। अच्छा जी तो हम आए हैं सफारी पार्क, ये रहा वेलकम टू सफारी पार्क। मेरी फ्रेंड के छोटे बेबी को ये प्यार करेगी। यहाँ एनिमल्स भी होते हैं और अभी अंदर जाके बताएंगे क्या है क्या नहीं, और हम आपको पहले से बता देंगे तो मज़ा थोड़ी ना आएगा वीडियो देखने में, ठीक है। तो अभी हम अंदर जाके बताते हैं क्या है कैसा है। और जैन लेने गए हैं टिकट, और जैन टिकट लेकर आ गए हैं। आ जाओ ज़िमल, आ जाए हाथ पकड़े मम्मा का, चलो। अच्छा जी जैन जो है टिकट ले आए हैं, एक टिकट है 50 रुपये की, और है ना जैन ना उनको बोल के आए कि हमारी बेटी जो 2.5 साल की है उसकी टिकट नहीं लगेगी, लेकिन जन्नत तो माशाल्लाह 4.5 साल की है तो उसकी टिकट लगेगी, तो जैन अभी एक और टिकट लेने गए हैं। अच्छा जी हम जा रहे हैं अंदर, सोचा था कि बस क्या सफ़र करके ना एनिमल्स ना अंदर पोर्शन बनाया हुआ जहाँ पे एनिमल्स सारे खुले घूमते हैं, तो वहाँ पे ना बस में बैठ के सफ़र करते हैं, सारे एनिमल्स को देखते हैं खुले एनिमल्स को, लेकिन अब अंधेरा हो गया, एक तो हमें निकलते निकलते इतना लेट हो जाता है ना, तो अंधेरा हो ही जाता है, हम किसी भी पार्क में जाएँ हमारी सारी वीडियोज़ अंधेरे में ही आती है। तो ये कि अब देखते हैं अगर अंधेरे में पार्क बस में बिठा के हमें सफ़र करवाएंगे वो लोग बस का, तो देखते हैं। एक वैन होती है, वैन में बिठा के ना वो लोग एनिमल्स के एनिमल्स दिखाते हैं वो लोग, क्योंकि एनिमल्स खुले होते हैं वो लोग पिंजरे में नहीं होते।
बैठ रहे हैं ट्रेन में। ये चलो 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 ये जन्नत जन्नत कहाँ चलो बाप खुद चढ़ गया बच्चों को छोड़ के चलो 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 वाह मम्मा भी आएगी चलो आ गयो जिमल भी सीट बिठा दो चलो भाई अभी हम जो कर रहे हैं ट्रेन का सफर चलना आप भी कर रही हो पापा भी कर रहे हैं जिमल भी है जिमल किस पे बैठी हो आप जिमल चलाओ बटन दबाओ जैन देखना बच्चे को जन्नत चलो मुंह अगर अब नहीं लगे तो क्या लग रहा है मुझे बटन दबाओ दबाओ बटन मेरे बटन होगा ना फर्स्ट टाइम ड्राइविंग कर रही है जिमल डर गई हम जिमल पकड़ के बैठी है इसको झटका वगैरह नहीं आ जाए गर्दन में सीधा करो सीधा करो सीधा करो सीधा हैंडल आज को गाइड करो ये गुड गुड चलाओ चलाओ बटन को पुश करके रखो जन्नत बटन को ये जिमल जिमल अच्छा भाई जन्नत ने बहुत एंजॉय किया जन्नत का मजा आया जन्नत ने कार ड्राइविंग फर्स्ट टाइम किया ना जन्नत वाह गिर ना जाए हाँ ना ऊंचा भी जा रहा है ना ये भाई जिमल को इतना मजा आया कि जिमल रो रही थी जिमल को तो मजा आया ना इसमें नहीं बैठना इसमें नहीं बैठना छोटी कार अच्छी है ये अच्छी है ये अच्छी है एक में ही दोनों बहनों को साथ साथ बिठाओ से अलग अलग नहीं काफी जल्दी खड़ी बैठी है हाँ आज के मनपसंद जन्नत का फेस एक्सप्रेशन जन्नत टाइट से बहन को ही पकड़ो वाह मजा आ रहा है ना चले आ जाए खाली वाला एलिफेंट जैन देना उसको ऊपर तो सारे ही जा रहे हैं ना ऊपर ही नहीं सारे ही जा रहे हैं कुछ ऊपर कुछ नीचे चले हमारा एलिफेंट आ गया है हम अपनी सवारियां बैठ रहे हैं एलिफेंट की गोद में हम बैठेंगे चलो चले जन्नत फ्लैश लाइट क्या बंद हो गई है चले भाई अब मेरी बारी रेलगाड़ी में तो जैन पहले खुद ही चढ़ गए थे और ना हमें चढ़ने नहीं दिया था पापा जी ने खुद ने लोग भी कर लिया है जैन बात सुनो ये लो दो टिकट दो ही देना लेगा हाँ ट्राई करना अगर नहीं देगा तो फिर हाथ में मेरा दे दो नहीं देखा भाई व्लॉग वीडियो देखने वाले भी क्या सोचेंगे देखो हिना की चलाकियाँ अपने मियाँ जी को दो टिकट पकड़ा दी भाई सही ना छोटे छोटे बच्चे को ये लोग इतनी थोड़ी को ये लोग अनाउंस करेंगे इतनी सी जगह लेते हैं खैर किसी भी झूले में जिमल की तो टिकट नहीं ली लेकिन जन्नत माशाल्लाह पौने पाँच साल की तो जिमल की जन्नत की जो है पूरी पूरी टिकट लगी है और अभी हम बैठे हैं इस एलिफेंट वाले में आगे से आप फ्रेंड देख लें बनाया तो बड़ा क्यूट सा एलिफेंट मासूम सा एलिफेंट है वो डम्बो फिल्म है ना वैसा है बिल्कुल क्यूट सा मम्मा है ना मैं बच्चा अच्छा मैं जिना बच्चों को अकेले बिठा रहे थे वो देखो एलिफेंट ऊपर जा रहा है वो वाला ये उड़ रहा है और ये उड़ने वाला डम्बो है तभी तो देखो ना इसके कान भी उड़ने वाले हैं ये डम्बो फिल्म का ही है ना हाथी लोगों ने बनाया है ये जिमल मजा आ रहा है वाह डर तो पापा भी रहे बेचारे हिम्मत करके बैठे हुए ये जिनत मजा आ रहा है हमारा भी उड़ रहा देखो ऊपर गया ना ऊपर नीचे हो रहा है
ये हमें झूले खा खा के हो थक गए हैं अब, और अब इनका कुछ पेट पूजा चल रही है। जिमल खा रही है डोनट। जिमल क्या खा रही हैं आप? डोनट। ये देंगे, जन्नत अपना खा चुकी है, लास्ट बाइट चल रहा है इसका डोनट का, और जन्नत अभी डोनट खा रही है, नखरे कर कर के डोनट खा रही है भाई। और ये जिमल अपना पूरा मुंह भर लिया है, बाप इंतज़ार में बैठा है कि खा ले तो उसका मुँह साफ करे, और हम वीडियो बना रहे हैं, मीन्स ब्लॉग। करो करो हम करो, हम झूलों में जाएंगे भाई, अंदर जाएंगे। जन्नत कब से बोली इतना झूले खा खा करेंगे, पेट नहीं भरे, अब कहती है अंदर जाएंगे। नहीं भरे। किसने जिमल डिसाइड करी कैसे बैठना, हॉर्स में बैठना है जिमल को? जिमल ने ये झूला डिसाइड किया है, जिमल इसमें बैठेगी। ये देखिए ऊपर चल भी रही है, जिमल गिर जाओगी, पापा बिठाएंगे आपको। सब खराब है, आप बताओ कहाँ बैठना है। पापा अपने हिसाब से बिठाएंगे ना, तो काफी झूले खराब है ना। टाइम हो गया बहुत ज्यादा, और जिमल को बाहर नहीं निकलना, और जूस पिएंगे। चले 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 आ जाओ, अल्लाह लगा ना घड़ी पे आ गए। जिमल आओ जूस, जिमल जिमल आओ जूस पिएंगे। आओ मम्मा जूस लेने जा रही है, बाय बाय आओ। बहुत, और अभी थक भी गए हैं, बच्चों ने भी खूब एंजॉय कर लिया, और अब लग रही है भूख। सामने कैंटीन थी लेकिन है ना वहाँ पे जूस ख़त्म हो गए थे, अब रात हो गई, ऐसी बातें ख़त्म तो होने ही थे। तो ये कि अब हम जाएंगे डिनर करने, वो जैन पकड़ के ला रहे हैं जन्नत जिमल को, बिल्कुल भी हाथ में नहीं आती, बहुत मस्ती करती है ये, बाहर जाती है ना जैन का हाल बुरा होता है, घर में ही मुझे सताते, बाहर जैन को सताते। तो बस अब जैन बाहर की तरफ चलें ताकि बहुत घूम लिया। चलो जूस खत्म, बस बस अब मैं तो बैठ लिया, अब क्या है वहाँ सब, अब सब बड़ों के झूले हैं वहाँ, सब बड़ों के। नहीं जिमल, जिमल यहाँ आ जाए, पापा आ जाए, जिमल जिमल क्या कर रही हो आप, ये कैसे बैठी है, कौन सी बैठी? नो सही से बैठे जी। तो अब आ गए हैं हमारे बर्गर और रोल, और हम स्टार्ट करेंगे खाना। जिंदा आपको भूख लगी है? इधर आओ। चलो भैया अभी हम करते हैं बिस्मिल्लाह, और हम खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी हम आ गए हैं घर, घूम फिर कर खाना खा कर, और अब मियाँ जी ने बनाई है चाय, जो घर आने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस अब पीते हैं चाय, और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, ठीक है? और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, वॉच करने के साथ एक लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमें सपोर्ट हो, हमारी वीडियोस आगे ज़्यादा शेयर हो, ठीक है? और चाय दिखने थोड़ी मज़े की लग रही है, मैं पी के बताऊँगी कैसी है, ठीक है? और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वॉच कंप्लीट करें, ठीक है? और प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है? अगले ब्लॉग के लिए हम इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।